हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 अक्टूबर 2024, दिन मंगलवार, हो गया हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड स्ट्रोक डे के रूप में मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। इंटरनेट जो कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक है, इसी के उपलक्ष्य में आज के दिन को इंटरनेशनल इंटरनेट डे के रूप में मनाते हैं ना। चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं खबरों में। और हाँ, आज धनतेरस का त्योहार भी है, आज ही से दीपावली की शुरुआत होने जा रही है। तो आप सभी डीएलएस न्यूज फैमिली मेंबर्स को और सभी को धनतेरस और दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज से ही दीपोत्सव का पर्व भी शुरू होने जाना और धनतेरस पर खरीदारी और निवेश का विशेष महत्व होता है। तो आज के दिन खरीदारी के दो शुभ मुहूर्त रहेंगे। अगर आप सुबह में खरीदारी करते हो तो 9 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक अति उत्तम मुहूर्त है, और शाम के समय भी 7:25 से 8:55 तक ये खरीदारी का अति शुभ मुहूर्त रहेगा। और धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है, तो ये पूजा विधि और पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:45 से रात 8:15 तक, ठीक है ना। पूजा विधि वगैरह भी आप देख सकते हैं। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की विशेष परंपरा है। आज के दिन झाड़ू, बर्तन, सोना चांदी के आभूषण वगैरह ये खरीदे जाते हैं। और क्योंकि इस बार कार्तिक अमावस्या 2 दिन पड़ रही है, इसलिए दीपोत्सव 5 दिन का नहीं बल्कि 6 दिन का होगा। मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर पहले ही बता दिया, 29 अक्टूबर को आज धनतेरस रहेगी, फिर परसों 31 अक्टूबर को दिवाली और लक्ष्मी पूजा होगी, 1 नवम्बर को स्नानदान की अमावस्या रहेगी, फिर 2 नवम्बर को गोवर्धन पूजा और 3 तारीख को रहेगी भाई दूज, ठीक है ना। तो आप सभी देशवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके घर परिवार सर पर हमेशा बनी रहे। आप अपनी जिंदगी में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। दिल से इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अब अपन आज की खबरों की तरफ। तो देखिए, एक तो धनतेरस से पहले दोस्तों सोने चांदी के दाम में तेजी देखी गई। सोना 480 रुपए चढ़कर अभी 78,495 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 96,552 रुपए प्रति किलो बिक रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ कार्यक्रम। एक तो देश के 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे पीएम मोदी। रोजगार मेले के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नव नियुक्त 50,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसके अलावा भी दोस्तों, आज भगवान धन्वंतरी जयंती के मौके पर पीएम मोदी 29 अक्टूबर को स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ की लागत वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। देश भर के अलग अलग राज्यों में कई नए हॉस्पिटल और स्वास्थ्य सेवाओं का उद्घाटन शुरुआत करेंगे आज पीएम मोदी। ये कुछ जानकारियां आप देख सकते हैं। और इन उद्घाटन में देखिए आप, छत्तीसगढ़ में भी 200 करोड़ के हॉस्पिटल का शुभारंभ होगा। पीएम मोदी आज 29 अक्टूबर को इसका उद्घाटन करेंगे और यहां योग और प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा हिमाचल को भी दिवाली गिफ्ट देंगे पीएम मोदी। आज यहां भी एक क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास करेंगे। 11 करोड़ से स्थापित होगी आधुनिक मशीनरी। हिमाचल के चंबा में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के नए भवन में ये सीसीयू का उद्घाटन करेंगे। वहीं देखिए एक और अच्छी पहल, देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा भी उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश में शुरू होने जा रही है। इसका भी शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी आज। मतलब अभी तक हमारे देश में जो सड़कों पर तो एम्बुलेंस चलती है, लेकिन अब यहां से देश में पहली बार एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू होने जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए तुरंत मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। उत्तराखंड ऋषिकेश एम्स में ये सुविधा शुरू होगी, है ना। वहीं राजस्थान के भी सिरोही जिले में दुर्गम क्षेत्र में अब ड्रोन से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यहां भी पीएम मोदी आज कई नई चीजों का उद्घाटन करेंगे। और इसके अलावा भी दोस्तों, आज मंगलवार को 70 साल से ज्यादा ऊपर के बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू करेंगे। मैंने आपको कल इसके बारे में डिटेल बताई थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब 70 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को भी इस योजना का लाभ मिल पाएगा, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज बिल्कुल फ्री में सरकार द्वारा करवाया जाता है। तो 70 साल से ज्यादा उम्र के तकरीबन देश में 6 करोड़ लोग हैं जिनको सीधा फायदा होगा। केंद्र सरकार आज इस योजना का उद्घाटन करने जा रही है। इसके अलावा यूविन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का रिकॉर्ड अब डिजिटली ऑनलाइन रखा जाएगा, है ना। तो यूं कुछ आज पीएम मोदी के प्लान रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपको पता होगा, कल पीएम मोदी स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के वडोदरा पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने रोड शो भी किया और यहां पर एक एयरक्राफ्ट प्लांट का उद्घाटन भी किया, जिसमें अब भारत में ही बनेगी C-295 विमान। वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक करीब 3.25 किलोमीटर तक रोड शो किया पीएम मोदी ने। और ये C-295 एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए टाटा एयरबस के असेंबली यूनिट का भी उद्घाटन किया दोनों नेताओं ने, पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने। इस दौरान पीएम मोदी भावुक होते हुए बोले कि आज रतन टाटा अगर जीवित होते हैं तो मेक इन इंडिया देश के विकास की इस नई पहल को देखकर बड़ा खुश होते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में रतन टाटा को याद करते हुए कहा कि आज उनकी आत्मा जहां भी होगी बहुत खुश होगी। इस दौरान पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालातों पर भी उन्होंने चिंता जताई। और वडोदरा में रोड शो और एयर असेंबली का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी बोले कि पॉसिबिलिटी को प्रोस्पेरिटी में बदलने के लिए सही पार्टनरशिप जरूरी है। और हाँ दोस्तों, पीएम मोदी के इस गुजरात के रोड शो के दौरान एक अनोखा वाकया देखने को मिला, जब गाड़ी रोककर दिव्यांग लड़की से मिले पीएम मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति। बच्ची ने दोनों को खास गिफ्ट दिया। देख सकते हैं आप, एक दिव्यांग बच्ची ने दोनों नेताओं की पोर्ट्रेट यानी कि एक चित्र की पेंटिंग बनाई है, जिसको रोड शो के दौरान गाड़ी रोक करके पीएम मोदी ने गिफ्ट के रूप में स्वीकार किया। टोटल दोस्तों, गुजरात के अमरेली में भी पीएम ने 4,500 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तो कुछ यूं रहा पीएम मोदी और स्पेन
बायडेन नेता का गुजरात दौरा। दोनों देशों के बीच निवेश के लिए भी फास्ट ट्रैक तंत्र और रेलवे समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी। कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आज हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 29 अक्टूबर को रियाद जाएंगे। ये रियाद जो कि सऊदी अरब में है, आज से ऑफिशियली 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू के दौरान केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश में अडानी बचाओ सिंडिकेट लागू है। कॉरपोरेट जगत में चर्चा है कि सेबी चीफ बुच सरकार और प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रही है। वैसे राहुल गांधी हाल ही में जो एक सैलून पर गए थे, उस सैलून वाले को भी मदद पहुंचाई और एक पोस्ट करते हुए लिखा कि गरीब की मुस्कान वापस लाऊंगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। चावल मिल मालिकों की शिकायत के समाधान के लिए भी केंद्र सरकार ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सरकार की ओर से लॉन्च ये ऐप चावल मिलर्स को सीधे अपनी शिकायतें दर्ज कराने की अनुमति देता है और एक बार शिकायत दर्ज होने के 3 दिनों के अंदर जांच करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी भेजी जाएगी। तो चावल मिल के समस्याओं को समाधान करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अच्छा खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूंगा। देखिए हमारे एक वायुसेना के जवान की नन्ही बच्ची SMA से पीड़ित है। SMA जो कि एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है, आपने कभी कभी सुना भी होगा इसके बारे में। 14 करोड़ का एक इंजेक्शन लगता है तब जाकर बच्चे बच्ची इस बीमारी से सही होते हैं। तो भारतीय वायुसेना में कार्यरत प्रशांत सिंह यादव अपनी नन्ही सी बच्ची की जान बचाने के लिए अभी विभिन्न सरकारी दफ्तर और संस्थानों के चक्कर काट रहे हैं और अभी वो इम्पैक्ट गुरु के जरिए हेल्प फंडिंग भी जुटा रहे हैं। तो आपके भी जितनी श्रद्धा है आप डोनेशन कर सकते हैं इस नन्ही प्यारी बच्ची और भारतीय वायुसेना के जवान के लिए। ये स्क्रीन पर जो आप QR कोड देख पा रहे होंगे, इसको स्कैन करके आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह किसी से भी जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना आप कर सकते हो, 50, 100, 500, 1000, 2000, तो जरूर डोनेशन करें। अगर थोड़ा बहुत कलेक्शन भी फंडिंग के जरिए हो जाता है तो बाकी मदद सरकार कर देगी, तो बच्चे की जान बचाई जा सकेगी, है ना। ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को लिखा हुआ लेटर भी आप देख सकते हैं और ये बच्ची के एम्स हॉस्पिटल की ऑफिशियल डॉक्टर की रिपोर्ट भी देख लीजिएगा, वेरिफिकेशन के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप जम्मू कश्मीर के अखनूर में 3 आतंकी ढेर हुए। सुबह आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी, 5 घंटे चले एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। वहीं देखिए बड़ा खुलासा सामने आ रहा, 4000 करोड़ का बैंक फ्रॉड। 5 राज्यों में ईडी ने एक्शन लिया और कई प्रोमोटर्स की 503 करोड़ की संपत्तियां भी जब्त कर ली है। इसमें बैंक बैलेंस और शेयर भी शामिल है। ईडी नागपुर की तरफ से यह कार्रवाई की गई। 5 राज्य जिनमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में 503 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की है। देखिए कितने बड़े लेवल पर गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बैंक हॉलीडे पर खबर आ रही है, आने वाले महीने नवंबर में 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। RBI की तरफ से ये बैंक हॉलीडे की पूरी लिस्ट भी जारी की गई है क्योंकि काफी सारे तो फेस्टिवल वगैरह भी रहेंगे, तो ये तारीख वाइज पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा ना, किस किस तारीख को कब बैंक बंद रहने वाले हैं। टोटल नवंबर में 13 छुट्टियां आएगी और वैसे हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 नवंबर से कई चीजों की कीमतें बदल जाएगी। काफी सारे नए नियम भी लागू होंगे जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। LPG, गैस सिलेंडर, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड समेत कई नियमों में बदलाव होगा, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको एक एक नियम की जानकारी बताऊंगा, काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आज दिन में या शाम तक DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से नए नियम का वीडियो डाल दूंगा, तो उसे जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तभी तो मैं आपको कहता हूँ दोस्तों रोजाना की जुड़े रहो DLS न्यूज चैनल के साथ, बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। इससे होगा ये कि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, बड़े फैसले, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। पूरे YouTube पर DLS न्यूज ही एकमात्र ऐसा चैनल है दोस्तों जो आपको आसान भाषा में सबसे पहले सरकारी न्यूज अपडेट देता है। उठा के देख लेना, और कई बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं लेकिन सब पर आपको राजनीतिक खबरें मिलेगी, बेकार की बेतुकी खबरें मिल जाएगी, लेकिन जो काम की खबरें हैं, आम आदमी के लिए महत्वपूर्ण जानने वाली खबरें हैं, नए नियम वगैरह, सरकारी फैसले, ये सबसे पहले आपको DLS न्यूज चैनल पर ही मिलते हैं। अच्छा आप कहोगे कि यार DLS भाई खुद की तारीफ किए जा रहे हो ये क्या, तो दोस्तों आप खुद एक बार चैनल पर जाकर विजिट करो। अच्छा अगर आप रेगुलर खबरें देखते हो तब तो आपको पता ही होगा कि DLS भाई की न्यूज कैसी होती है। नो टाइम वेस्ट, ऑलवेज न्यूज ऑल ऑफ द बेस्ट। अरे वाह ये तो राइम हो गया। चलो मजाक छोड़ो, अभी अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया, ब्रह्मांड के एक रहस्यमय हिस्से में एक नया ग्रह खोजा है। वैज्ञानिकों का कहना कि इस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 60 गुना ज्यादा है और इस ग्रह को नाम दिया गया TOI 6651b। करंट अफेयर्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा ना। चलिए कुछ हाईकोर्ट के बड़े फैसले देखिए आप। मद्रास हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि बीवी की रजामंदी के बिना केवल पुरुष या केवल पति तलाक नहीं ले सकता है। एक तरफा तलाक के मामले को लेकर ये मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने कहा कि अगर मुस्लिम पत्नी तलाक जारी करने पर उसे मानने से इनकार करती है तो तलाक का फैसला कोर्ट से ही होगा, सिर्फ पति के मान लेने से तलाक मान्य नहीं होगा। और दूसरी शादी करने पर पहली पत्नी को रहने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये एक केस की सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया पति पत्नी के मामले को लेकर। मामला क्या है पूरा आप देख सकते हैं जानकारी भी। और वहीं UP इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। राज्य सरकारों को मोटर ड्राइविंग स्कूलों के लिए नियम बनाने का कोई अधिकार नहीं है, यानी मोटर ड्राइविंग स्कूल के नियम सिर्फ केंद्र सरकार ही बना सकती है, राज्य सरकारें नहीं, ये भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश सरकार ने भी दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया, अब 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। दरअसल MP में भी कर्मचारियों का DA बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कर्मचारियों के DA में 4% की बढ़ोतरी कर दी है और इस
बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 620 रुपए से लेकर 5,500 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी और जनवरी 2024 से ही एरियर भी मिलेगा। ये देख सकते हैं आप टेबल में गणित भी, 4% महंगाई भत्ता बढ़ने पर किस प्रकार लाभ मिलेगा सरकारी कर्मचारियों को, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का नया प्लान। अब दिल्ली में 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स रोकेंगे प्रदूषण और ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में इनकी तैनाती की जाएगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने यह नया प्लान बनाया है। वैसे अभी इस साल तो दिल्ली में पराली जलाने का भी रिकॉर्ड टूट चुका है। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा पराली इसी साल जलाई गई। ये वजह की पोल्यूशन सर्दियां शुरू होने से पहले ही बढ़ने लगा है। वहीं खबर देखिए, दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने भी सभी 12 विशेष स्कूलों को दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा शुरू करने की घोषणा की है। ये निर्देश जारी किया। और खबर है, दिल्ली के अस्पतालों में भी 200 करोड़ का घपला पाया गया। LG सक्सेना ने 5 इंजीनियरों के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी मंजूरी दी। देखिए कितना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहे हैं कई अलग अलग राज्यों में। अभी इससे पहले 5 राज्यों में बैंक फ्रॉड की खबर बताई थी मैंने आपको। अच्छा वैसे दिल्ली वासियों के लिए एक और अच्छी खबर ये है दोस्तों, 19 नवंबर तक बनाए जाएंगे 90,000 राशन कार्ड। अधिकारियों की सभी छुट्टियां भी रद्द कर दी अभी त्योहारी सीजन में और दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित समय में लक्ष्य पूरा करने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। तो अगर आपका भी राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 31 अक्टूबर के बाद सभी कार्यालय खुले रहेंगे। वहीं खबर है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर भी खुशखबरी आई। री रजिस्ट्रेशन कराना अब और भी आसान होगा। बिहार सरकार की तरफ से यह प्लान बनाया गया। सप्ताह में 6 दिन 15 साल पुरानी गाड़ियों की री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी अब RTO में। जिला परिवहन कार्यालय में किसी भी दिन जा सकते हैं सोमवार से शनिवार तक। ठीक है, ये बिहार की नीतीश सरकार का प्लान है। और चलिए अगला अपडेट देखिए, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। झारखंड प्रदेश के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा भाजपा में शामिल हुए। वहीं पॉलिटिक्स से जुड़ी कुछ और खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए आप, प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए केरल वायनाड पहुंची और यहां उन्होंने कहा कि बीजेपी प्लानिंग के साथ समाज में नफरत और गुस्सा फैला रही है, राहुल गांधी जैसा होना आसान नहीं है। वहीं खबर है, दिल्ली चुनावों के लिए भी कांग्रेस ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले महीने 8 नवंबर से ही न्याय यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जैसे ही दिल्ली न्याय यात्रा का आयोजन किया जाएगा। वहीं खबर देखिए दोस्तों, सांसद सूर्या ने 8.5 घंटे में 113 किलोमीटर की दूरी नापी, जिनमें 2 किलोमीटर तो स्विमिंग की इन्होंने, 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21 किलोमीटर की दौड़ भी लगाई। पीएम मोदी ने भी खुद इनकी तारीफ की। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने हाल ही में बीते रविवार को आयरन मैन 70.3 चैलेंज पूरा किया और ये चैलेंज पूरा करने वाले वो देश के पहले सांसद भी बन गए। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश भाजपा में पहली बार महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। 15 नवंबर से ही शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया, सक्रिय सदस्य को ही मिलेगा पद। यूपी में भी बीजेपी की तरफ से यह प्लान बनाया गया। वहीं खबर है दोस्तों, सांसद पप्पू यादव को भी जान से मारने की धमकी मिली। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताया और ये कहा कि सलमान मामले से दूर रहो। ये बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव, अब इनको भी धमकियां मिल रही हैं। वैसे धमकियों से याद आया दोस्तों, रोजाना जो फ्लाइट्स में भी बम की धमकियां मिलती हैं, इसका सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ। देखिए कल सोमवार को भी 60 फ्लाइट में फिर से बम की धमकी मिली है और इसके चलते एयर इंडिया की दिल्ली कोलंबो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग भी करनी पड़ी। बीते 15 दिन में 400 से ज्यादा इस तरह की फेक थ्रेट यानी कि खोखली धमकियां मिल चुकी हैं। और अब केंद्र सरकार ने एक प्लान भी बनाया। देखिए आप, NIA ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर अपनी साइबर विंग भी तैनात कर दी है, जो कि बम की धमकी मिलने पर तुरंत एक्शन लेगी, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है और इसके चलते उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी, घने कोहरे के आसार अब शुरू होंगे। पर्वतीय इलाकों में चोटियों पर हिमपात से सर्दी भी बढ़ेगी। कुछ राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप, मध्य प्रदेश में अब दिन का टेम्परेचर 3 डिग्री तक लुढ़का। अक्टूबर के आखिरी दिनों में पूर्वी हिस्से में गरज चमक होगी और नवंबर से ही सर्दी भी बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के भी 28 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट है। 5 संभागों में 4-5 दिन बरसात के बाद पारा लुढ़केगा। बिहार के भी 20 जिलों में बारिश की चेतावनी। 31 अक्टूबर तक ठंड बढ़ने के आसार नहीं। झारखंड में दिवाली पर बारिश की संभावना है। रांची में तो आज 29 अक्टूबर को भी बादल छाए रहेंगे। हिमाचल के 3 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। पहाड़ों पर भी रातें अब गर्म हुई। और भी स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और मौसम के बाद सोना चांदी के भाव तो मैंने आपको पहले ही बता दिए। चलिए मार्केट के कुछ अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, काफी दिनों से शेयर मार्केट में गिरावट के बाद सेंसेक्स में तेजी देखी गई, 602 अंक की। निफ्टी भी 186 अंक चढ़ा। सरकारी बैंकों के शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। कुछ कंपनियों के नतीजे देखते हैं जल्दी से। देखिए एयरटेल कंपनी को दूसरी तिमाही में 3,593 करोड़ का मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर 168% की बढ़ोतरी दर्ज हुई और अभी कंपनी के शाश्वत शर्मा नए MD और CEO भी बने। निवेशकों के लिए खबर है, स्विगी का IPO 6 नवंबर को ओपन हो सकता है। प्राइस बैंड 371 से 390 तक होगा। इसके जरिए 11,700 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। वहीं खबर है, दूसरी तिमाही में अडानी पावर का मुनाफा भी 50% कम हुआ। पंजाब नेशनल बैंक का दूसरी तिमाही में मुनाफा 145% बढ़कर 4,303 करोड़ रुपए रहा। अंबुजा सीमेंट को दूसरी तिमाही में 501 करोड़ का मुनाफा हुआ। और देखिए खराब नतीजों के बाद 8% गिरा इंडिगो कंपनी का शेयर। इस साल 35% का रिटर्न दिया कंपनी को। इस क्वार्टर में 987 करोड़ का नुकसान हुआ। और वीरा एनर्जीज का शेयर 70% ऊपर 2,550 पर लिस्ट हुआ। वैसे निवेशकों के लिए एक और खबर है, जल्द ही शेयर बाजार में उतरेगी एक और पावर कंपनी। ACME
सोलर कंपनी का भी आईपीओ आने वाला है। निवेशकों के जरिए 3,000 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। चलिए अब अपन मार्केट के बाद कुछ और खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए मिड डे मील को लेकर सरकार का प्लान है, अब मिड डे मील भोजन में बच्चों को डिब्बा बंद गजक और बाजरे के लड्डू भी वितरित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ये सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया गया। 7 नवंबर से हर गुरुवार को ये अतिरिक्त पोषाहार मिलेगा। परिषदीय स्कूलों में वितरण को लेकर निर्देश भी जारी हो चुके हैं। वही खबर है यूपी में संस्कृत छात्रों के लिए भी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना का शुभारंभ भी किया। सीएम योगी ने कहा कि संस्कृत विद्यालयों को पुनर्जीवित करने की ये योजना है और यह स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत करने के साथ ही 586 लाख रुपए की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में छात्रों को ट्रांसफर भी की। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आप इस छात्रवृत्ति योजना के बारे में ज्यादा जानकारी देख लीजिएगा। वही देखिए योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी खोला खजाना। इस बड़े फैसले से दुगनी हो जाएगी दिवाली की खुशियां। दरअसल दीपावली से पहले पेंशन के साथ बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और एरियर भी मिलेगा। वहीं राज्य कर्मचारियों को वेतन के साथ ही लगभग 7,000 का बोनस भी दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा नया प्लान बनाया जा रहा। चलिए अगली खबर देखिए। पश्चिम बंगाल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस की जांच के दौरान सीबीआई ने अब एक बड़ा खुलासा किया। कहा कि बंगाल के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा खेल हो रहा है। आरजी कर समेत कई मेडिकल कॉलेजों में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। सीबीआई की तरफ से ये रिपोर्ट उजागर की गई। अच्छा वही दोस्तों हमारे देश के विकास पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही। फिनिम की ये रिपोर्ट देखिए जरा। देश का आर्थिक प्रदर्शन संतोषजनक है लेकिन सरकार को मांग पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। वैसे मांग डिमांड की बात हो रही है तो देखिए आप दिवाली पर भी उपभोक्ता खर्च 20-25% बढ़ जाता है। स्मार्टफोन टीवी फ्रिज वगैरह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की मांग बहुत ज्यादा होती है अक्सर धनतेरस और दिवाली के त्योहारों के मौके पर, है ना। रिपोर्ट्स के मुताबिक त्योहारी सीजन में झूमेगा बाजार। 30% बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बिक्री। एआई से लेस उत्पादों की मांग भी इस बार ज्यादा देखी जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पाकिस्तानी जेलों में 17 महीनों में 7 भारतीय मछुआरों की जांच चली गई। पड़ोसी देश में अभी भी और कई सारे भारतीय मछुआरे बंदी हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। वही खबर है भारत के महिला आयोग की तरफ से भी निर्देश जारी किया गया। कहा कि महिलाएं ही लें महिलाओं के कपड़ों की नाप। इन जगहों पर महिलाओं की नियुक्ति आवश्यक है। यूपी महिला आयोग की तरफ से महिलाओं की निजता को बनाए रखने के लिए कपड़ों का नाप लेने को लेकर यह बड़ा फैसला सुनाया गया। महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर महिला आयोग की बैठक हुई। बैठक के बाद सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि जैसे महिला जिम हो गई, योगा सेंटर, विद्यालय, नाट्य कला, बुटीक सेंटर या कोचिंग सेंटर, इन पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित किया जाए। और यहाँ पर अगर महिलाओं का नाप लिया जाता है तो उसके लिए महिला कर्मचारी ही होनी चाहिए। ये वाकई में बहुत ही अच्छा आदेश जारी किया महिला आयोग ने। चलिए अगली एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों। साल 2047 तक विकसित राष्ट्र के लिए इस सेक्टर में क्वालिटी जॉब्स की जरूरत होगी। नई रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ। डेलाइट की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई जिसके मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विस्तार पर सरकार का ध्यान दिया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सेक्टर में श्रमिकों के आने से औपचारिक रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए 2023 में ग्रीन हाउस गैसों के स्तर ने बनाया नया रिकॉर्ड। 2 दशकों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वहीं यूएन की भी एक रिपोर्ट देखिए। तापमान बढ़ोतरी पर 1.5 डिग्री तक सीमित रखने में जलवायु योजनाएं फेल हुई। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। और पोल्यूशन यानी प्रदूषण पर भी एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि हर साल 21 लाख लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से हो जाती है लेकिन फिर भी किसी भी प्राथमिकता में शामिल नहीं है प्रदूषण। ये भी अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से लगाया गया। दुनिया भर का डेटा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार का एक बड़ा फैसला। कैबिनेट से अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण देने को भी मंजूरी दे दी है और इसके लिए एक आयोग भी गठित करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया जो फैसला सुनाया गया उसके मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने यह मंजूरी दी है। वहीं जनगणना पर खबर आ रही दोस्तों। अगले साल 2025 से हमारे देश में जनगणना शुरू होगी और इस बार की जनगणना में संप्रदाय को लेकर भी सवाल किए जाएंगे। 2028 तक पूरा होगा परिसीमन भी। ये सरकार का प्लान है। वहीं खबर देखिए। दिल्ली में कबूतरों को दाना डालने पर भी बैन लगाने की तैयारी में है एमसीडी और इसके पीछे वजह यह है कि लोगों को कबूतरों की भीड़ से होने वाली बीमारियों से बचाना। वैसे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर भी रोकने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया, दिए जलाओ पटाखे नहीं। वहीं खबर है दिवाली पर घर जाना आसान होगा। टाटा ग्रुप के एयरलाइंस कंपनी की तरफ से ऑफर लॉन्च किया गया है जिसके तहत आप सस्ते में हवाई टिकट बुक कर सकते हैं 1 नवंबर से 10 दिसंबर तक। कम किराए पर आपको फ्लाइट टिकट बुक करने का मौका मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार की तरफ से 4 अंकों का एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। साइबर क्राइम करने वालों की खेल नहीं। दरअसल साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए अब सरकार ने नया नेशनल हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। गृह मंत्रालय ने पुराने नेशनल हेल्पलाइन नंबर 155260 को बदलकर 1930 कर दिया है। दूरसंचार विभाग यानी डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से भी ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी शेयर की गई, देख सकते हैं आप। अगर आपको कहीं साइबर फ्रॉड धोखाधड़ी की घटना होती है आपके साथ तो 1930 इस नंबर पर कॉल करके तुरंत आप सूचना दे सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं या cybercrime.gov.in इस पोर्टल पर भी ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। सड़क हादसे रोकने के लिए उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025 में इस बार भी कांवड़ यात्रा वाला फॉर्मूला लागू होगा। मतलब किसी भी दिशा में वाहनों को खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी बल्कि इनके लिए प्रॉपर पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे और काफी सुविधाओं को लेकर प्रशासन अभी से व्यवस्था तैयारियां करने लगा है। वहीं एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। देखिए आप, छत्तीसगढ़ में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 12 लोगों को दिखना बंद हो गया तो कांग्रेस ने इसे अखफोड़वा कांड पार्ट 2 बताया और कार्य में लापरवाही के चलते डॉक्टर, स्टाफ नर्स, नेत्र सहायक समेत कई अधिकारियों को भी
सस्पेंड किया गया। ये छत्तीसगढ़ में मोतियाबिंद का गलत ऑपरेशन कर दिया गया एक शिविर के दौरान। चलिए बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, मिर्जापुर फिल्म भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, 2026 में ये रिलीज होगी। अभी तक जो आपने मिर्जापुर वेब सीरीज देखी होगी उस पर अब फिल्म भी बनने जा रही है। मुन्ना भैया और कंपाउंडर की जबरदस्त वापसी होगी इस फिल्म में। 1 मिनट 30 सेकंड का टीजर भी अनाउंसमेंट किया कंपनी ने, सामने आया, देख सकते हैं। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, सुजुकी ने हायाबुसा की 1056 गाड़ियों को वापस बुलाया। इस स्पोर्ट्स बाइक के थर्ड जनरेशन मॉडल में फ्रंट ब्रेक में परेशानी आ रही यूजर्स को कंपनी ने कहा कि फ्री में पार्ट्स रिप्लेस होंगे। चलिए खबर है मध्य प्रदेश उज्जैन, अपने शहर में लोटी मिस इंडिया निकिता महाकाल का आशीर्वाद भी लिया। रोड शो में लोगों ने इनका ग्रैंड वेलकम भी किया, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। फेमिना मिस इंडिया 2024 की विनर बनकर ये लोटी है। मेनी मेनी कांग्रेट्स निकिता पोरवाल। चलिए अगला अपडेट है, लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस पर होने वाला कार्यक्रम रन फॉर यूनिटी इस बार आज 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। और खबर है कि लोगों को डिस्लेक्सिया जागरूकता के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति भवन, संसद और इंडिया गेट को लाल रोशनी में रोशन किया गया, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। डिस्लेक्सिया एक तरह की बीमारी है, डिजीज है। चलिए अगला अपडेट है, युवा आपदा मित्र योजना के तहत लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ये केंद्र सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया गया है। और वही देखिए दोस्तों, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने दूसरों का बैंक खाता इस्तेमाल कर किए जा रहे अवैध भुगतान के खिलाफ चेतावनी जारी की है। ICCCC यानी इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरफ से ये सख्त चेतावनी जारी की गई, क्योंकि कई लोग जो है बैंक खातों में धोखाधड़ी फ्रॉड करने के लिए दूसरों के बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं ब्लैक मनी व्हाइट मनी के चक्कर में भी, तो ऐसे लोगों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने भी फर्जी कॉल और धोखाधड़ी वाले संदेशों को रोकने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, और अभी आने वाले नवंबर से भी कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था अपडेट भी। चलिए अगला अपडेट देखिए, अमेरिका जापान और दक्षिण कोरिया भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सहयोग करेंगे, इन देशों के बीच एक सहमति बनी है, समझौते पर हस्ताक्षर हुई है। वही देखिए रेलवे सुरक्षा बल ने वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर कार्यक्रम भी शुरू किया। कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले कि शरद ने परिवार में फूट डाली, पहले मैंने गलती की अब वे कर रहे हैं, बारामती से मेरे खिलाफ भतीजे युगेंद्र को उतारा। वहीं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी तीसरी लिस्ट में 25 नाम घोषित किए हैं, अब तक टोटल 146 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस भी बोले कि भाजपा महाराष्ट्र में अकेले नहीं जीत सकती है, लेकिन चुनाव बाद सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। लोकसभा चुनाव के समय राज्य में वोट जिहाद हुआ। वैसे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शिवसेना शिंदे ने भी तीसरी लिस्ट में 13 नाम जारी कर दिए। और साउथ में देखिए दोस्तों, तमिल स्टार विजय ने भी अपनी पहली चुनावी रैली आयोजित की, कहा कि डीएमके स्वार्थी परिवार की पार्टी है, ये राजनीति में आए नए लोगों पर भगवा पोतने की कोशिश करते हैं। साउथ मूवी में आपने फिल्म स्टार के रूप में थलापति विजय की काफी मूवीज में देखा होगा इनको, तो अब ये राजनीति में भी उतर आए हैं। इनकी पार्टी टीवीके को लेकर इन्होंने पहला जन सम्मेलन भी संबोधित किया, बताया जा रहा है कि लाखों लोगों ने इनके जन संबोधन को सुना, देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। चलिए अगली खबर है, नेटफ्लिक्स की तरफ से एक नया फीचर रोल आउट किया गया, अब आप नेटफ्लिक्स पर अगर कोई मूवी शो देख रहे हैं तो आपके फेवरेट सीन को दोस्तों के साथ भी शेयर कर पाएंगे, मोमेंट्स करके ये नया फीचर लॉन्च किया है ना। वही खबर है, अब चीनी मिलों ने सरकार को चेताया, कहा कि 15 नवंबर तक हमारी मांगे मान लो नहीं तो गन्ने की पेराई रोक देंगे। महाराष्ट्र के चीनी उद्योग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। MSP बढ़ाने की भी इनकी मांग है। वही देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को आदेश दिया, कहा कि जमानत के मामलों में नागरिकों के अधिकारों का हनन ना करें। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान में बाहर घूमती गायों को आवारा कहने पर अब रोक लगेगी, सरकार ने नए नामों का नोटिस भी निकाल दिया है। राज्य सरकार के गोपालन विभाग का कहना है कि गोवंशों के लिए आवारा शब्द का इस्तेमाल करना अनुचित और अपमानजनक है, इसलिए ऐसी गायों को अब निराश्रित या बेसहारा कहकर पुकारा जाएगा। वही खबर है, 60% सब्सिडी पर खेतों में लगेंगे सोलर पंप, IGNP के किसानों के लिए सरकार की यह नई योजना है। किसान वहन करेगा 40% राशि, बाकी 60% जो है सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में दी जाएगी, राजस्थान सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है। वही देखिए दोस्तों, राजस्थान जैसलमेर में बढ़े डेंगू और मलेरिया के मरीज, प्रदेश में तीसरे स्थान पर चल रहा जैसलमेर, अभी OPD में 1500 तक पहुंची मरीजों की संख्या। और खबर है, छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय चुनाव में अब OBC आरक्षण 50% रहेगा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया, शिक्षा कर्मियों का संविलियन, नवा रायपुर में जमीन खरीदने पर भी छूट मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और इसमें कुछ इन अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। ये अलग अलग फैसलों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं कंप्लीट स्क्रीन पर, एक एक को बोलूंगा तो अभी काफी ज्यादा समय लग जाएगा ना। वही खबर है, छत्तीसगढ़ में दिवाली से पहले अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया, राज्य प्रशासनिक सेवा के 22 अफसर बदले गए। और छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को बैंक भी बंद रहेंगे, गोवर्धन पूजा पर सरकारी कोषालय और बैंकों की छुट्टी का आदेश जारी हुआ। वही देखिए बिहार में भी डेंगू के साथ साथ अब चिकनगुनिया का प्रकोप बढ़ने लगा, मच्छरों पर नियंत्रण करने के लिए दवा के छिड़काव के लिए 500 टीमें भी तैनात की सरकार ने। और खबर है दोस्तों, टीबी के मरीजों के लिए आरोग्य साथी मोबाइल ऐप बनाया गया, जांच से लेकर इलाज तक पूरी जानकारी मिल पाएगी। सरकार ने पंजीकृत रोगियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुविधा भी दी है, टीबी आरोग्य साथी नाम से यह नया मोबाइल ऐप विकसित किया है सरकार ने। वहीं पराली पर एक रिपोर्ट आ रही है कि हरियाणा में पराली जलाने से प्रदूषण आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। दिल्ली की तरह हरियाणा के भी 2 जिले गैस चैंबर बन चुके हैं। अब ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू हुई, 26 कर्मचारी सस्पेंड किए गए, 383 को नोटिस भी जारी हुआ। दिवाली से पहले लोगों की सांसों पर भी मानव संकट पैदा हो गया। वहीं खबर,
तरह पंजाब के शहरों को भी दिल्ली के जैसे मिलेगी सुविधाएं। मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल की अगुवाई में नई स्ट्रेटेजी बनाई गई 6 चीजों पर फोकस रहेगा, जिनमें शामिल है सड़क साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, पानी, सीवर व रेवेन्यू पर फोकस किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। चंडीगढ़ में जॉगिंग ट्रैक निर्माण को मंजूरी मिली, FNCC की बैठक में निर्णय लिया गया। छठ पूजा की व्यवस्था पर भी खर्च होंगे 7 लाख रुपए। वहीं देखिए दोस्तों, मोहाली में नवंबर से शुरू होंगे ऑनलाइन चालान, सीधा मोबाइल पर भेजा जाएगा ट्रैफिक चालान। और खबर है चंडीगढ़ की एजुकेशन सिटी में बनेगा विश्व स्तरीय रिसर्च सेंटर भी, कौशल विकास और इंक्यूबेशन पर जोर दिया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश में बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने प्रदर्शन किया, अभियंताओं के 51 पद समाप्त करने और 81 ड्राइवरों को नौकरी से हटाने पर भड़के, उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। वही खबर है दोस्तों, इस बार चारधाम यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड, श्रद्धालुओं की संख्या 44 लाख के पार पहुंची। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए ONGC में 2236 पदों पर निकली भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है, अब 10 नवंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। वहीं देखिए दोस्तों, तिथियों में बदलाव हुआ, 22 दिसंबर को अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा होगी और इसके रजिस्ट्रेशन अब 15 नवंबर तक हो पाएंगे। इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। और देखिए हिमाचल प्रदेश में अब स्नातक में 50% अंक वाले भी BEd में ले सकेंगे प्रवेश, HPU की तरफ से ये शर्तें हटाई गई। खबर है उत्तर प्रदेश में दिवाली की छुट्टी में फंसा पेच, 1 नवंबर को प्रदेश में माध्यमिक विद्यालय खुले हैं, अवकाश नहीं दिया गया तो इससे अभिभावक भी परेशान है। वहीं CSBC का अपडेट देखिए, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने पेश की नई वेबसाइट, अब इसी पर प्रकाशित होगा सिपाही भर्ती का परीक्षा परिणाम भी। इस पोर्टल का ये एड्रेस बदलकर अब ये कर दिया गया CSBC.bihar.gov.in, ठीक है ना। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से कुछ अपडेट देखिए आप। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बोले कि मोदी रूस यूक्रेन जंग को रुकवा सकते हैं, ब्रिक्स समिट फेल रही, इसमें शामिल हुए ज्यादातर नेताओं पर पुतिन को भरोसा नहीं है। वहीं अमेरिका में भी चुनाव से 8 दिन पहले आज वोट डालेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, 4 करोड़ लोगों ने वोटिंग भी की। ट्रंप की न्यूयॉर्क रैली में कई स्टार भी शामिल हुए हैं। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कुंभ राशि वालों के आज किए हुए कामों से तरक्की के योग बनेंगे, तुला राशि के लोगों को भी धन लाभ होने की संभावना है। मिथुन राशि के लोग अपने परिवार के साथ रिश्ते ना बिगाड़े और तुला राशि के लोग भी अपनी गलतियां सुधारें। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे कोई DLS माइंड क्विज क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और दीपावली के त्योहार की भी एडवांस में दिल से बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। आप भी मुझे हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस नीचे कमेंट बॉक्स में विश कर सकते हैं। देखते हैं DLS भाई को कितने लोग विश करते हैं। बाकी ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।